अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एकदम ही लाजवाब और डिलीशियस डिश लेकर आए हैं, चिकन कटलेट। तो देखते हैं इसकी रेसिपी। गैस पर हमने कुकर रख दिया है और इसके अंदर 50 मिलीग्राम हमने ऑयल ऐड किया और 1 केजी हमने चिकन लिया है, जिसे हमने बोनलेस चिकन है, जिसे हमने साफ कर कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। और हमने इसी के अंदर 4 से 5 हमने आलू लिया है, जो 1/2 केजी है और छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। अब वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और कुकर और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखना है। और देखिए, इसे ऐसे फ्राई करते जाना है हमें। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे हम। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून हम मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। मिर्ची पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर, और गरम मसाला 1 टीस्पून। और इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला लेंगे आपस में। देखिए, इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल जाने के बाद में कुकर की लिड लगा लेंगे और 1 सीटी लेंगे हम। देखिए, 1 सीटी हो चुकी है। अब इसे हम खोल कर देखेंगे कि ये गला है या नहीं। देखिए, थोड़ा सा पानी इसमें है, हमने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया था। ये चिकन का ही पानी है जो इसी में हम पकाने वाले हैं इसको। देखिए, ये गल चुका है और इसे हमें इस तरीके से करना है ताकि चिकन के पीस अच्छे से फूल जाए। और देखिए, बटाटा भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है चिकन में। और अब ये हमारा रेडी है बैटर। और इसके अंदर हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। देखिए, धनिया पत्ती को भी सारे बैटर में अच्छे से मिला लेना है। ना इसमें हमें मैदा ऐड करना है, ना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, ओनली हम बटाटे में ही इसे बनाएंगे। देखिए, रेडी हो चुका है हमारा कटलेट का बैटर। कुछ इस तरीके से लगता है ये। एकदम इजी और आसान तरीके से हमने बताया है आपको चिकन कटलेट। अब इसके बाउल बना लेंगे छोटे छोटे से और इसे कटलेट का आकार देंगे। आप ओवल शेप में भी इसे बना सकते हो, राउंड शेप में भी आप इसे बना सकते हो। जिस तरीके से आपको शेप देना हो कटलेट की, उस तरीके से आप दे सकते हो। तो हमने इस तरीके ओवल शेप की कटलेट की शेप दिया है। अब इन्हें इस तरीके से बनाते जाना है और प्लेट में रखते जाना है। देखिए, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाना है आपको और फिर ये प्रोसेस करना है, नहीं तो ये हाथों पर चिपकने लगेगा और इसकी शेप नहीं बनेगी। खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है ये, और बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है आपको। आप ज़रूर ट्राई करना इफ्तार के वक्त, ये खाने में बहुत ही अच्छा और लाजवाब लगेगा। अब एक तरफ हमने ऑयल गरम होने रख दिया है। अब हमने भुनी हुई सेवई लिए है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में इसे क्रश कर लिया है हमने। और 2 अंडे लिए हैं और इसे पहले ही फेंट कर रख दिया था हमने, और इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड किया है हमने। एक एक कटलेट पीस लेंगे हम और अंडे में डिप करते जाएंगे, और इसके अंडे में डिप हो जाने के बाद में हम सेवई में इसे ऊपर से ऐसा लगा लेंगे सेवैया, और ऑयल में हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। देखिए, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम केयरफुली ऑयल में इसे डालते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से डालना है। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा फास्ट नहीं, वरना हमारे ये कटलेट जल भी सकते हैं, क्योंकि पहले से ही सेवैया भुनी हुई है इसीलिए। देखिए,
अब हम इसे एक एक करके केयरफुली पलट लेंगे, नहीं तो ये हमारे कटलेट टूट भी सकते हैं। इसे आप डीप फ्राई करना चाहो तो कर सकते हो या इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हो आप। देखिए अब इसे एक प्लेट में हम किचन टॉवल रख देंगे और उसके ऊपर एक एक हमारे कटलेट निकालते जाएंगे। तो रेडी है हमारा चिकन कटलेट। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। रमज़ान मुबारक हो आप सबको।